हर हर महादेव दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के समीप बन रहे 3 मंजिले कॉम्प्लेक्स, जिसे दशाश्वमेध भवन कहा जा रहा है, की डेवलपमेंट को दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, आगामी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आ रहे हैं और इसी दिन वो दशाश्वमेध भवन का लोकार्पण करने वाले हैं दोस्तों। तो वाराणसी आने वाले पर्यटकों को दोस्तों बनारसी खान पान से लेकर यहाँ की कला संस्कृति और पूजा पाठ से जुड़ी प्रत्येक चीज इस दशाश्वमेध कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे दोस्तों उपलब्ध हो सकेगी दोस्तों। इस वक्त हम लोग दशाश्वमेध कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता गुदौलिया की तरफ से आ रहा है और ये इधर देखिए, दाएं साइड ये रास्ता दशाश्वमेध घाट की तरफ नीचे उतर जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर उतरने से पहले दाएं तरफ ही ये जमीन दोस्तों वर्षों से खाली पड़ी थी, तो इसको उपयोग में लाते हुए दोस्तों यहाँ पर 3 मंजिला व्यावसायिक केंद्र बनाया गया है, जिसे दशाश्वमेध टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स और दशाश्वमेध भवन कहा जा रहा है दोस्तों। आप अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो अभी काम काफ़ी तेज़ी चल रहा है और कॉम्प्लेक्स के बाहर ये रास्ते पर पत्थर बिछाने का काम चल रहा है दोस्तों। ये चुनार से मंगाए गए पत्थर है और ये देखिए अंदर तो ये सारा पत्थर लग चुका है इसके दशाश्वमेध कॉम्प्लेक्स के परिसर में, और लाइटें वाइटें भी लग गई हैं आप अगर देखें तो। रात में दोस्तों जब लाइटें जलती है तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे ये है, ये पानी जब पड़ेगा तो उसके लिए शायद अंदर गिरेगा, और इसमें भी शायद लाइट है, देखते हैं जब पूरा हो जाएगा तो क्या है। ये देखिए ये सारे गमले वमले रखे गए हैं, ये नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए है दोस्तों। और ये देखिए ये जो खम्बा है, ये फायर सेफ्टी यहाँ पे ये लगा हुआ है रेड कलर का जो है दोस्तों, और इसके अंदर देखिए ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और इस तरह के खम्बे दोस्तों इस परिसर में चार पांच हैं, चारों कोनों पे हैं शायद, तो ये एक तरह से सिक्योरिटी को लेकर ये व्यवस्था की गई है। और ये दोस्तों दीवार पर दशाश्वमेध घाट से रिलेटेड चीज़ दिखाई गई है, जब ब्रह्मा जी ने घाट पे के समीप दशाश्वमेध यज्ञ किया था, तो ये उस घटना को देखना दिखाया गया है। और ये जो 10 अश्व हैं दोस्तों, ये तो एक तरह से मान लीजिए तो अब दशाश्वमेध घाट का एक सेल्फी पॉइंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है दोस्तों। और ये देखिए ये सामने दशाश्वमेध एक कॉम्प्लेक्स है, और ये पूरा परिसर दोस्तों में देखिए पूरा चुनार के पत्थर जो ये सब लग चुके हैं, और काफ़ी कम समय में दोस्तों ये पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि दशाश्वमेध घाट का पर्यटन और अध्यात्म के दृष्टिकोण से एक अलग महत्व है। जो भी लोग बनारस में आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, वो इस घाट पर गंगा स्नान करते हैं और उनके दरबार में जाते हैं दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों रोज़ाना गंगा आरती भी होती है, जिस वजह से इस घाट पर काफ़ी भीड़ होती है। तो इसी वजह से दोस्तों इस घाट के समीप ही ये दशाश्वमेध कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया, और अभी दोस्तों बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। और ये देखिए ये लाइटिंग की व्यवस्था है, मतलब रात में एकदम पूरा चकाचक माहौल यहाँ पर होता होगा। ये देखिए, और यहाँ पर दोस्तों बुजुर्ग लोगों के लिए देखिए एस्केलेटर लगाए गए हैं और लिफ्ट की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि इस परियोजना की कुल लागत 28 करोड़ रुपए है, और इसमें दोस्तों करीब 3000 वर्ग मीटर ज़मीन में पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, और इसमें कुल 3 मंजिले हैं दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आपको बताऊँ कि इसमें लगभग 200 दुकानें बनी हैं, और लोअर ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों 68 दुकानें हैं, और अपर फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे 42 और बेसमेंट में दोस्तों 72 दुकानें बनी हुई हैं। तो डिटेल में आपको बता दें दोस्तों, तो ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों फूड कोर्ट की पूरी व्यवस्था है, मतलब पूरा ये फ्लोर फूड कोर्ट के लिए रहेगा। तो दोस्तों जो भी श्रद्धालुगण बनारस आते हैं, वो बनारस की पूरी कचौड़ी, जलेबी, ठंडई, लस्सी, मलैया और बनारसी पान, ये सब चीज़ें काफ़ी फेमस है, ये खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों अब यहीं एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बनारसी साड़ी, बनारस का हैंडीक्राफ्ट जैसे लकड़ी का खिलौना, गुलाबी मीनाकारी, जरदोजी जैसी सामग्रियाँ, और पूजा पाठ से रिलेटेड सारी सामग्रियाँ
ये सब दोस्तों आपको इसी कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी। तो जो टूरिस्ट लोग दोस्तों यहाँ पर आते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है और सारी व्यवस्था दोस्तों एक ही जगह पर मिल जाएगी। ये देखिए 3 फ्लोर देख रहे हैं, ये सारी दुकानें लगभग बनकर रेडी हो चुकी हैं और सभी दुकानों के नंबरिंग भी कर दी गई है दोस्तों। ये देखिए सामने से, तो ये दोस्तों हर जगह लिफ्ट और एस्केलेटर सुविधा यहाँ उपलब्ध है। ये देखिए, चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर भी दुकानें बन गई हैं क्या। तो ये पूरा कंप्लीट है दोस्तों, अब कल यानी 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण करने वाले हैं और देखते हैं इस पर पूरा मतलब सारी दुकानें कब स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद भी एक वीडियो बनाएंगे। ये देखिए ऊपर, तो ये वाला फ्लोर दोस्तों पूरी तरह से एयर कंडीशन है। और ये देखिए हिंदुवानों की नाम दोस्तों एफ से स्टार्ट है, उसके नीचे वाले का यू था और शायद उसके नीचे एल है, यानी लोअर ग्राउंड फ्लोर हो गया, वो बेसमेंट कहिए। तो इस तरह से दुकानों की नंबरिंग की गई है दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया पूरा एक तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये बनकर रेडी है क्या, अब देखते हैं कब स्टार्ट होता है। देखिए पूरा रेडी हो गया दोस्तों, ये मतलब हर तरफ आपको मतलब सारा सामान, जो सामान आपको चाहिए, जिसके लिए श्रद्धालुगण इधर से उधर भटकते रहते हैं, कभी इस दुकान पे मोल भाव करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, तो ये सब दोस्तों उनको एक ही छत पर मिल जाएगी। चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो ऊपर दोस्तों ऊपर से गंगा घाट और गंगा जी के दर्शन होंगे, तो ऊपर भी जरूर कुछ व्यवस्था की जाएगी। ये देखिए ऊपर से मतलब पूरा एकदम सामने से एकदम बहुत बढ़िया गंगा जी के दर्शन हो सकेंगे। तो शायद कुछ गैलरी टाइप का बनाया जाएगा या कोई पॉइंट रहेगा, जैसे जहाँ से सब लोग वहाँ पर जाएंगे और देख सकेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऊपर, ये देखिए इन्वर्टर ये रखे हुए हैं, तो पूरा एकदम से तैयार हो चुका है दोस्तों। और आपको दोस्तों और अगर संक्षेप में अगर बताएं तो इस परियोजना की कुल लागत 2800 करोड़ रुपये है और इसका कार्य दोस्तों नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था और ये देखिए जुलाई 2022 आते थे ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए दोस्तों सामने गंगा जी प्रदर्शन घाट के सामने, वो जो बालू रेती दिख रही है वहाँ पर ऊँट से लोग घूमते हैं, मेला टाइप का वहाँ लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि जुलाई 2022 ये काम पूरा हो गया, लगभग 2 साल से कम समय में ही पूरा कॉम्प्लेक्स बनकर दोस्तों तैयार हो गया है। और ये दोस्तों पूरा 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स है और इसमें सीढ़ियाँ हैं, साथ साथ में लिफ्ट और एस्केलेटर भी लगे हुए हैं बुजुर्गों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दोस्तों पर्यटकों के बैठने के लिए स्टोन फ्लोरिंग की गई और पाथवे भी बनाया गया है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों इसमें हरियाली का भी ध्यान रखा गया है। और दुकानें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अपर ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट के लिए है और लोअर ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद यानी तीन फ्लोर पर पूरा दुकानें ही दुकानें होंगी और करीब 200 दुकानें हैं और इसके तहत लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार सीधे मतलब दुकान के रूप में मिल रहा है। और दुकान में और भी लोग होंगे तो रोज़गार की पूरी अच्छी व्यवस्था भी हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए ये नीचे बेसमेंट का इलाका, और ये अब मैं बाहर निकल गया हूँ दोस्तों। तो ये वाराणसी का दशाश्वमेध कॉम्प्लेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी, ये वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया दोस्तों और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और अब नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और ये बहुत जल्द ही दोस्तों वाराणसी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।